So hello everyone, friends, we are come to the next topic of integration by parts. Isko kind of product rule of integrals bhi kehte hain. What happens here is, if we have to find the integration of product of two functions, the answer will be first into integration of second minus whole integration derivative of first into integration of second plus some constant. Now how does this happen? ऐसा हुआ कैसे, पहले हम उसको समझते हैं, देन विल कम टू नो अबाउट वॉट इज फर्स्ट, वॉट इज सेकेंड एंड हाउ टू बी असाइन देम दिस सीक्वेंसिंग कि फर्स्ट कौन आएगा, सेकेंड कौन सा आएगा. इफ यू रिमेंबर, वी हैव डन प्रोडक्ट रूल. सो डेरिवेटिव ऑफ यू इन टू वी, दैट इज फर्स्ट इन टू सेकेंड, इफ यू से फर्स्ट इन टू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इन टू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, राइट. ये हम सब लोगों ने किया है. Now this thing is under the differential operator. और किसी चीज़ को differential operator से free करने के लिए क्या करना पड़ता है, integrating both sides. जब हम इसको integrate करेंगे तो anti derivative लेंगे, ख़त्म हो जाएगा, तो what will you be left from the left hand side, u b, right. और यहाँ पर क्या हो जाएगा, integration ये with respect to x था, तो integration भी with respect to x हुआ, तो u d upon dx of v into dx plus v into d upon dx of u, right sir, into dx, क्योंकि integration is distributive over the sum of functions. So जब आपने दोनों साइड का integration लिया, right, तो पहले का integration plus दूसरे का integration हो गया, right. Now what I do here is, अगर मैं यहाँ से first integral को left hand side ले जाता हूँ, I transpose this to the left hand side, so ये बन जाता है u into d upon dx of v dx is equal to, मैं इसको एक काम करता हूँ, I keep it on the right hand side, I transpose this to the left, so this will be uv minus v d upon dx into u dx, right. So otherwise आप क्या कर सकते हो, if you feel like आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है, मैंने कहा था ना इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, अगर आप इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, इसका भी साइन इधर आके नेगेटिव होगा, माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर दो, और अदर वे अराउंड व्हाट डिड आई से इज यू कीप इट ऑन द राइट ओनली, यू ट्रांसपोज दिस टू द लेफ्ट हैंड साइड, राइट. सो ये चीज हमारे पास आ जाएगी, ठीक है. अब अगर मैं यू फंक्शन का नाम रखता हूं, इफ आई टेक दिस फंक्शन यू एज, u को मैं f ऑफ x ले लेता हूं, राइट. और u के साथ दूसरा कौन सा फंक्शन है लेफ्ट हैंड साइड पे, d अपॉन dx ऑफ v को मैं ले लेता हूं, अदर फंक्शन g ऑफ x. सो अगर मेरे पास u फंक्शन f ऑफ x है, तो इसका मतलब u डैश जो है डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा मेरे पास, f डैश ऑफ x, ठीक है. और इसका मतलब है, अगर मेरे पास d अपॉन डी एक्स ऑफ वी को जी लिया है, अब मैं इसको ऑपरेटर से फ्री करना चाहता हूं, इंटेग्रेट करूंगा, तो v विल बी इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, राइट. मैं u और v को किस में लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग दिस u इन v इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, खत्म हो चुकी है सारी बात. अब देखो ये वैल्यूज यहां पुट करते जाओ, u की जगह f ऑफ x देखते जाइए, है ना, u की जगह पे क्या आ गया, f ऑफ x, राइट. उसके बाद क्या था, d अपॉन डी एक्स ऑफ v, d अपॉन डी एक्स ऑफ v की जगह g ऑफ x dx इज इक्वल टू, पहली चीज क्या थी, u, व्हाट इज u, f ऑफ x. दूसरा क्या था, v, v कितना आया, इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x माइनस होल इंटीग्रेशन, ठीक है, होल इंटीग्रेशन आ गई. उसके बाद क्या था हमारे पास, v, v क्या आया, इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x, और ये क्या था, डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ यू क्या आया, एफ डैश ऑफ एक्स. तो बन गया ये फॉर्मूला, कि यहां पे जब मैंने ये वैल्यूज पुट की तो ये चीज ये बन गई. इसको कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, राइट. सो दिस फॉर्मूला इज एक्चुअली ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंशिएशन बाय प्रोडक्ट रूल ओनली, इसीलिए इसको इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल कहा जाता है. अब हमारे पास हम इसको लर्न कैसे करते हैं, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ लर्निंग और हाउ डू वी डू इट, इज वेरी सिंपल. वी नंबर देम. हेयर इफ यू लुक एट द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में जो जी फंक्शन है उसका इंटेग्रेशन हो रहा है, देखो यहां पर भी जी का इंटेग्रेशन हो रहा है, यहां पर भी जी का इंटेग्रेशन हो रहा है,
ठीक है, और जो एफ फंक्शन है एक जगह तो कुछ भी नहीं हो रहा है इसका, और दूसरी जगह पे इसका डेरिवेटिव हो रहा है, फिर इस पूरे प्रोडक्ट का इंटेग्रेशन होगा, दैट्स अ सेपरेट इशू। पर पहले तो इसका मतलब मैं जी उस फंक्शन को रखूंगा जिसका इंटीग्रेशन मुझे ऑलरेडी पता होगा, राइट, जिसका इंटीग्रेशन कंपैरेटिवली आउट ऑफ द टू इजी होगा, उस फंक्शन को मैं नाम दे दूंगा जी। तो जनरली इसको कैसे याद किया जाता है, रादर देन लर्निंग इट इन टर्म्स ऑफ एफ एंड जी, वी ऑलवेज असाइन देम नंबर्स एज फंक्शन नंबर वन एंड फंक्शन नंबर टू। सो अगर मैं एफ ऑफ एक्स को फर्स्ट मान लेता हूँ और इसको सेकेंड मान लेता हूँ, कि फॉर्मूला बन जाता है मेरे पास फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, राइट। तो अगेन अगर आप यहां पे देखिए तो सेकेंड जो है उसका क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन। सो मीनिंग आप सेकेंड फंक्शन आउट ऑफ द टू उनको दोगे जिसका इंटीग्रेशन आपको ऑलरेडी पता है। लाइक इफ आई गिव यू सम एग्जांपल्स, लाइक एक्स लॉग एक्स डी एक्स, ठीक है। अभी मैंने आपको सीक्वेंसिंग बताई नहीं हम किसके लेवल पे सीक्वेंसिंग करते हैं। इफ यू लुक एट मेरे दिस अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, एक मेरे पास लॉगरिथमिक फंक्शन है और एक मेरे पास अल्जेब्रिक फंक्शन है। अगर हम अभी तक की पढ़ाई को डिस्कस करें तो लॉग का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा, डेरिवेटिव बहुत आसान है लॉग का, लेकिन इंटीग्रल हमने नहीं पढ़ा। जबकि एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग सब कैलकुलेट कर सकते हैं, इट्स क्वाइट इजी, एक्स स्क्वायर अपॉन टू। सो इस केस में एक्स विल बी मार्क्ड एज सेकेंड एंड लॉग विल बी मार्क्ड एज फर्स्ट। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि जो फंक्शन पहले नंबर पे लिखा है आप उसको फर्स्ट रखोगे, जो दूसरे नंबर पे लिखा है आप उसको सेकेंड लिखोगे। आप अपने कन्वीनियंस के लिए जिसका इंटीग्रेशन कंपैरेटिवली इजी है आपको पता है उसको आप सेकेंड रखोगे, और जिसका नहीं पता है आपको इंटीग्रेशन उसको आप फर्स्ट लिखोगे, ठीक है। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, अगेन हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का अभी तक इंटीग्रेशन नहीं किया है, तो इसको हम सेकेंड रखेंगे, इसको सेकेंड रखेंगे, और इसको हम क्या रखेंगे, फर्स्ट। नाउ इफ यू टॉक अबाउट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई एक्स डी एक्स, ठीक है ना, अब यहां पे दोनों का आपको डेरिवेटिव भी पता है इंटीग्रेशन भी पता है, बट स्टिल यहां पर अगर हम ई एक्स को सेकेंड रखते हैं तो क्वेश्चन कंपेरेटिवली इजी सॉल्व हो जाता है, उसका रीजन आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर के बाद, राइट। सो इस नंबरिंग को लगाने के लिए हम एक अप्रोच यूज करते हैं जिसको कहा जाता है आईलेट, जो हम लोग प्रीवियस टॉपिक में भी यूज कर रहे थे कि आईलेट ही तो फंक्शंस है जो हम डिस्कस करते हैं, और ये हायरार्की जाती है आईलेट के केस में। आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है, एल इज लॉग फंक्शन, ए इज अलजेब्रिक, ठीक है, देन योर टी इज ट्रिगोनो, ई इज एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल कब होता है, जब वेरिएबल जो है वो डिग्री में हो। ट्रिग्नोमेट्री हम सबको पता है छह ही नाम है, साइन कॉस टेन से कोसेक कॉट, ठीक है। अलजेब्रिक में थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उसका अगर हम ना जिक्र करें, लॉग कौन सा होगा जिसके नाम में लॉग लगा होगा, इनवर्स में वही छह फंक्शंस होते हैं, तो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पहचान लेते हो, लॉग आप पहचान लेते हो, ट्रिग्नो आप पहचान लेते हो, एक्सपोनेंशियल आप पहचान लेते हो। अगर कोई फंक्शन इन चारों को छोड़ के होगा तो वो अलजेब्रिक हो जाएगा, दिस इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। जो मैं हम यहाँ अपने टॉपिक की बात कर रहे हैं जो हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो इस हायरार्की में आप नंबरिंग दोगे, जैसे मैं फर्स्ट केस में बात करता हूँ तो हमारे पास कौन कौन सा फंक्शन था, एक लॉग था, राइट, और दूसरा अलजेब्रिक था। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इनवर्स, सबसे पहले अगर इनवर्स है तो इनवर्स को फर्स्ट मार्क करो, इनवर्स नहीं है, अब देखो आई खत्म हो गया, अब देखो सीक्वेंस में पहले कौन आ रहा है, लॉग, इसलिए लॉग को हमने फर्स्ट मार्क कर दिया, ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट दूसरा वाला सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट केस में ऑलरेडी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री था, आईलेट में आई पहले आ जाता था, इनवर्स वाला फर्स्ट हो गया, बाय डिफॉल्ट दूसरा वाला फंक्शन सेकंड हो जाएगा। इस केस में अगर हम बात करें तो हमारे पास एक एक्स एक्सपोनेंशियल था, और अब एक्सपोनेंशियल इज ऑलवेज लास्ट, इधर से आओगे तो फर्स्ट, अगर ये नहीं है फिर ये फर्स्ट, अगर ये नहीं है फिर ये फर्स्ट, अगर ये भी नहीं है फिर तो ऑटोमेटिकली ये फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल विल ऑलवेज बी लास्ट, ये इधर से आ रहा है, एक्सपोनेंशियल विल बी लास्ट, अगर एक्सपोनेंशियल नहीं है तो ट्रिगो विल बी लास्ट, अगर ट्रिगो नहीं है तो अलजेब्रिक विल बी लास्ट, मतलब अगर ये दोनों नहीं है तो अलजेब्रिक विल बी लास्ट। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल था इसलिए एक्सपोनेंशियल को
सो ई एक्स विल ऑलवेज बी टेकन ए सेकेंड. अब जैसे कुछ क्वेश्चन हमारे पास ऐसे भी हैं जैसे साइन एक्स इंटू ई एक्स डी एक्स, राइट. यहाँ पे आप किसी को भी फर्स्ट लो किसी को भी सेकेंड लो फर्क नहीं पड़ता. क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि ई एक्स का इंटेग्रेशन ई एक्स, ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स, साइन एक्स का इंटेग्रेशन माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, प्लस माइनस का तो फर्क नहीं रहता, फंक्शन तो सेम ही आएगा. यहाँ पे फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ था? सो दिस इज माई चॉइस. यहाँ पे आप कोई भी लगाओगे स्केटर लेके फर्स्ट लेके या इसको सेकंड लगाओगे इसको फर्स्ट लगाओगे आंसर निकल आएगा, बट बाकी केसेस में नहीं होगा. तो क्यों नहीं हम इसमें भी वही लगाएं जो हमारे पास आई लेट का रूल है. दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल रूल कि ऐसे ही आपको लगा, बट दिस इज अ रूल दैट विल सॉल्व ऑल आर क्वेश्चंस. तो हमारा पर्पज ये सॉल्व कर देते हैं. ऐसा नहीं है कि आप आई लेट के बिना, जैसे यहाँ पे आप सिक्वेंसिंग अगेंस्ट करके चलते हो तो भी आंसर आ जाता है, आई एम टेलिंग यू, बट स्टिल आई लेट विल डू आर वर्क. सो हम आई लेट को ही मानेंगे, राइट सर. तो सेम इज द केस यार. अब यहाँ पे ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स, ई एक्स का इंटेग्रेशन ई एक्स, एक्स का डेरिवेटिव वन, एक्स का इंटेग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन टू. इसीलिए यहाँ पे हम अपनी मर्जी से फर्स्ट सेकंड नहीं ले सकते थे, यहाँ पे ई एक्स को सेकंड रखने का ही बेनिफिट होगा. सो कैसे होगा, लेट्स हैव दिस एग्जाम्पल्स, कुछ डिस्कस करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं. आई होप दिस कॉन्सेप्ट ऑफ बायपार्ट्स इज क्लियर टू एवरी वन. सो यू जस्ट नीड टू लर्न द फॉर्मूला ओनली एंड द नंबरिंग, एंड नंबरिंग विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ आई लेट, right? Now, rather than learning it in terms of f and g, I request all of you to learn it term of 1 and 2. It will be easier for us, right? So first question karna hai to main bhi kaam karta hu, main bhi isko 1 and 2 mein hi likh leta hu. 1 into 2 integration is first into integration of second, and then minus minus whole integration derivative of first into integration of second plus c. So like we have question I is equal to x e x dx. So that is the product of two functions. So एक चीज और भी हमें mind में आ जाएगी कि by parts होने के लिए preferably जो दोनों functions हैं, ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन आप कोई ऐसा सॉल्व करो यहाँ दोनों सेम फैमिली के हों, बट मैं बोलो प्रेफरेबली, ठीक है, प्लीज इस वर्ड को सुन लीजिए, प्रेफरेबली अगर दोनों फंक्शंस डिफरेंट फैमिलीज के हों सो इट विल बी इजी. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल विल बी सेकंड एंड दिस विल बी फर्स्ट. अब जब हम इसको इंटेग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगाएंगे, राइट, तो क्या बनेगा हमारे पास, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx plus c. This will give you what? X ex ka integration ex minus what is derivative of x? X ka derivative kya aa gaya 1, integration of ex kya aa gaya ex dx plus c. This will be equal to x e raised power x minus. Ab aap isko integrate karoge to kya banega hamare paas, 1 into ex is what? ex, aur ex ka integration kya ho jayega hamare paas. So what is the integration of ex? It will be ex, right? So I need not to write that plus c finished, right? So this is how can you actually find the integration of product of functions. Answer aa gaya iska. It was a very basic question. ठीक है, simple तरीके से किया हमने. इसी तरह से जैसे हम अभी बात कर रहे थे, we don't know the integrals of the functions. कौन कौन से log and इनवर्स, इसीलिए उनको फर्स्ट रखा जाता है ताकि उनका इंटेग्रल यूज ना करना पड़ जाए. जस्ट लाइक दिस, इफ आई गेट अ क्वेश्चन लाइक आई इज इक्वल टू, सिर्फ लॉग एक्स ही आ गया क्योंकि मेरे पास लॉग एक्स का इंटेग्रेशन मुझे पता नहीं है. जब कोई फंक्शन अकेला आ जाए, राइट, सो ओनली फंक्शन आ जाए हमारे पास, तो आप क्या कर लीजिए उसके साथ, यू राइट इट लाइक दिस, लॉग ऑफ एक्स डी एक्स, आप इंटू वन ले लीजिए. और ये वन क्या है, कांस्टेंट फंक्शन, एल्जेब्रिक में आ जाएगा, ठीक है. आई लेट के अनुसार इनवर्स है नहीं, ठीक है, लॉग है तो लॉग फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा एंड दिस विल बी द सेकेंड फंक्शन. अब लगा दो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. सो दिस इज फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इज एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन एक्स, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड क्या होता है, एक्स डी एक्स प्लस सी. एक्स एंड एक्स कैंसिल हो गया,
सो दिस इज लॉग एक्स इंटू एक्स माइनस वन, वन का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स प्लस सी. एंड इफ यू वॉन्ट टू वेरीफाई योर आंसर, हाउ विल यू वेरीफाई, आप आंसर का डेरिवेटिव लो, वापिस क्वेश्चन बनना चाहिए, वेरीफाई हो जाएगा. तो ये आप लोगों का काम है, x log x माइनस x प्लस सी को डिफ्रेंशिएट करो, आपका आंसर log x ही आएगा. राइट सर, सो दिस इज सेकेंड टाइप. सो सिमिलरली आई वॉज टॉकिंग टू यू अबाउट दैट ex एंड sin x, अगर वैसे टाइप का क्वेश्चन मेरे पास आ जाए कोई, सो हाउ टू डू दैट. If we have, I think I must rub it off now. Right friends, so if we have integration e raised power x sin x dx, ठीक है, exponential will always be second, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा first, लगा दो integration by parts, क्या आता हमारे पास, so I is equal to first into integration of second माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी ई एक्स प्लस सी. ठीक है, आप तो फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, वी हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. सो दिस विल गिव यू आई इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई एक्स माइनस दिस इज अगेन द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस. ठीक है ना सर, so I mark it as first. So here I consider I1 cos x into ex dx because this is again the product of functions, और product of functions है तो इसको evaluate करने के लिए क्या लगेगा, integration by parts लगेगा, बस लगा दीजिए. Again this will be second, this will be first, so this will be first into integration of second minus whole integration derivative of first minus sin x. ठीक है, तो इट विल बी माइनस साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई एक्स डी एक्स प्लस सी आ गया हमारे पास. राइट सर, सो नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, सो दिस विल बी कॉस एक्स ई एक्स माइनस और माइनस विल मेक इट प्लस एंड इट विल बी साइन एक्स ई एक्स डी एक्स प्लस सी. सो दिस विल गिव मी आई वन इज इक्वल टू कॉस एक्स ई एक्स प्लस, लुक एट दिस, इजंट इट द ओरिजिनल क्वेश्चन. ये तो ऐसी कहानी चलती रहेगी, तो इसकी जगह मैं आई विल राइट सम सी डैश या कॉन्स्टेंट चेंज कर देता हूँ, मैं पहले सी ऑलरेडी लिख चुका हूँ. ठीक है बेटा, तो हमारे पास क्या हो गया, इजन इट द ओरिजिनल फंक्शन ई एक्स साइन एक्स, है ना, तो इसकी जगह क्या लिख दिया मैंने आई. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल मार्क दिस एज सेकंड. अब मैं सेकंड को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा फर्स्ट में टू गेट द आंसर, वेरी सिंपल. तो कहने का मतलब ये है कि जब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहे हो, सॉल्व करने के बाद हो सकता है जो सेकंड इंटीग्रेशन हो वो वापस प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस रह जाए. अगर वो वापस प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस रह जाए, उसको आई वन इंटीग्रल ले लीजिए और उसको एक बार वापस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दीजिए. राइट फ्रेंड्स, सो दिस विल गिव यू फ्रॉम वन एंड टू व्हाट डू यू गेट एज आई इज इक्वल टू साइन एक्स ई एक्स माइनस ये पूरा का पूरा क्या आया हमारे पास cos x ex, ठीक है, then plus I and both the constants will combine to give you some another constant, write it as k. तो ये I इधर था, ये ओके माइनस का हो जाएगा, उधर जाके I plus I क्या हो जाएगा, twice of I, ये हो गया sin x ex minus cos x ex plus constant. तो this will give you that I is equal to half of sin x ex minus cos x ex. ex common भी ले सकते थे आप, right? अब कॉन्स्टेंट के लिए आप बोलोगे के बाई टू नहीं किया, कोई फर्क नहीं, हाफ ऑफ अ कॉन्स्टेंट विल बी अनदर कॉन्स्टेंट. तो सिमिलरली यू विल हैव इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप ई रेज पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स एंड यू कैन डिराइव ऑल द रिलेशंस फॉर देम. ठीक है, सो सर दिस वाज द बेसिक अबाउट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. यू कैन डू मेनी मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट. सो आई विल टेक वन मोर केस ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री and then we will shift to the most important application of integration by parts. Right? So let's consider a question x sin inverse x dx. I is equal to x sin inverse x dx. Integration by parts. ठीक है, सबसे प्लस पॉइंट I लेट के अनुसार, ये I पहले ही आ गया,
और ये हो गया सेकेंड। ठीक है जी, लगा दो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्या बन गया, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इज वॉट, एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, क्या बनेगी सेकेंड की इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन टू डी एक्स प्लस सी। सो दिस विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन टू सॉरी माइनस 1 बाय 2 कम्स आउट, सो इट विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। हमारे पास एक बड़ा बेसिक रूल होता है इंटीग्रेशन में कि कभी भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस हो तो वो कांस्टेंट हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, और वो हमेशा न्यूमरेटर में होना चाहिए वो चीज़, राइट। तो उसका बेनिफिट क्या रह जाएगा हमारे पास, क्योंकि न्यूमरेटर को आप सेपरेट कर सकते हो। अगर मैं ये वाला माइनस उठा के यहाँ ले जाऊँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किस चीज़ का फर्क है, यहाँ पे रूट तो है अलग बात है बट और किस चीज़ का फर्क है, वन का। तो यहाँ पे वन अगर मैं ऐड कर दूँ और यहाँ पे वन अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ और डिनोमिनेटर सेपरेट कर दूँ, देखो बनता है इंटेग्रेशन या नहीं कुछ, साइन इनवर्स एक्स बन गया, ये बन गया एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस हाफ आ गया, ये बन गया मेरे पास वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और अगला वाला बन गया माइनस डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है सर, हो गया हमारे पास आंसर, ये ऑलरेडी है, दिस इज प्लस हाफ ये रहेगा, दिस इज एज इट इज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ किसी चीज को उसके रूट से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, न्यूमरेटर में रूट बच जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज अगेन साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला प्लस सम कॉन्स्टेंट वॉट एवर इट इज, और ये आपके पास ऑलरेडी स्पेशल इंटीग्रल्स में था ना, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी हम बात करेंगे नहीं, यू कैन इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल, इतना काम तो कर ही लेंगे यार, राइट सर। सो दिस इज डन, एक तरीका। इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका रहता है, अक्सर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सब्स्टिट्यूशन को लेके खुश रहते हैं, तो वो भी एक तरीका कर सकते थे। उसमें हम क्या कर सकते थे, आई वुड हैव टेकन साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी, राइट। सो अगर मैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स को टी ले लेता यहां पर, तो हमारे पास क्या चीज आ जाती, इसका मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन लगा के मेरे पास आ जाता साइन टी इक्वल्स टू एक्स, और जब मैं इसको डिफरेंशिएट करता तो कॉस टी डी टी इज इक्वल टू डी एक्स, फिर मेरे पास ये आई क्या बन जाता, एक्स बन गया साइन टी, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स बन गया था टी, और डी एक्स बन गया कॉस एक्स सॉरी कॉस टी आई एम सॉरी कॉस टी डी टी। कितने फंक्शंस बन रहे हैं, तीन, तीन तो होते नहीं है, साइन टी कॉस टी टी डी टी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे हम दो ही लेते हैं ना, तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा तारा साइन थीटा कॉस थीटा, टू इधर हो तो साइन टू थीटा होता है, ये टू इधर से हट जाएगा तो डिवाइडेड बाय टू हो जाएगा, सो दिस विल बी वन बाय टू कम्स आउट साइन टू टी इन टू टी डी टी, हो गया डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है सर, आई लेट के अनुसार ट्रिग्नोमेट्री सेकेंड दिस इज फर्स्ट, अगेन इंटेग्रेट करो यू विल गेट द आंसर, और इस सॉल्यूशन के बाद क्या होगा, आपको वापस उस फंक्शन को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्स में, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है, तो इसलिए इसका पूरा सॉल्यूशन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं अभी। सो सर दिस विल गिव अस आई इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड साइन टू टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टू टी अपॉन टू माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट क्या हो जाएगा वन, और इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्या हो जाएगा हमारे पास अगेन माइनस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा कॉस टू टी अपॉन टू डी टी प्लस सी। सो आई विल बी दिस विल बी माइनस टी अपॉन टू कॉस टू टी, ठीक है, प्लस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास साइन टी, तो वन बाई टू विल कम आउट, और कॉस टू टी का हो जाएगा साइन टू टी अपॉन टू प्लस सी। सो नाउ यू हैव टू कन्वर्ट दिस एवरीथिंग इन टू एक्स,
हमारे पास किस चीज की वैल्यू थी देखते जाइए, x इक्वल टू क्या था साइन टी, तो हम सबको साइन टी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर, जितने भी ये फॉर्मूले हैं 2t वाले इनको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये बनेगा मेरे पास माइनस टी क्या था मेरे पास साइन इनवर्स एक्स अपॉन टू कॉस टू टी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन, वन माइनस टू साइन स्क्वायर टी, ठीक है, प्लस वन बाई टू, वन बाई टू वन बाई फोर, साइन टू टी का फॉर्मूला टू साइन टी कॉस टी प्लस सी, दिस इज साइन माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन टू, वन माइनस टू साइन टी वॉज इक्वल टू वॉट एक्स का हो गया स्क्वेयर प्लस वन बाई फोर, अच्छा ये टू कट जाएगा राइट, तो वन बाई टू साइन टी कितना था एक्स, कॉस को साइन में कन्वर्ट करो कॉस थीटा अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वेयर टी वन माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस सी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन रहेगी अगर आप सब्स्टिट्यूशन करते हो राइट। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, हम इसको कंटिन्यू करेंगे और हम इसकी सेकेंड टाइप, व्हाट डिड आई टेल यू इन द बिगिनिंग कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है हमारे पास जो एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है राइट, और वो स्पेशली उसमें एक फंक्शन जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होना ज़रूरी है, उस पर बोर्ड एग्जाम्स में इस बार भी क्वेश्चन आया था 2020 में भी CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो इसकी एक नेक्स्ट क्रॉडरी हमारे पास बनती है वो ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स राइट इनटू ई ऑफ एक्स डीएक्स राइट सर। सो ये इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स इनटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, एफ ऑफ एक्स का कलर ब्लैक था तो ब्लैक कर देते हैं इसको, एफ ऑफ एक्स प्लस सी राइट सर। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, कैसे होता है फटाफट इसको समझने की कोशिश करते हैं। इफ आई टेक द लेफ्ट हैंड साइड दिस इज एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू ई एक्स डी एक्स, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के अलग अलग कर दिया, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटू ई एक्स डी एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू ई एक्स डी एक्स, ठीक है ना, पहले इससे मल्टीप्लाई हुआ फिर इससे मल्टीप्लाई हुआ, इसको मैं टच नहीं करता हूँ एज इट इज छोड़ देता हूँ राइट। और जो पहला वाला है मेरे पास इस पे मैं लगा देता हूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, और ई एक्स विल बी सेकंड दिस विल बी फर्स्ट, क्या बनेगा फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एफ डैश ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई एक्स का ई एक्स ही रहेगा राइट। और इसको कुछ कहा नहीं था, इट विल बी रिटन एज इट इज, रीजन क्या था पता चल गया आप सबको, ये दोनों कैंसिल हो गए, व्हाट इज द आंसर, सो दिस इज एफ ऑफ एक्स इंटू ई रेज पावर एक्स प्लस सी। तो इस फॉर्मूले का कहने का मतलब ये है ई एक्स होगा, ई एक्स के साथ आपके फंक्शन होगा, वो जो फंक्शन होगा वो अकेला नहीं होगा, वो फंक्शन दो पार्ट से बना होगा, एक पार्ट फंक्शन होगा दूसरा पार्ट उसका डेरिवेटिव होगा। लेमैन लैंग्वेज में जब भी ई एक्स के साथ आपको थोड़ा मुश्किल फंक्शन लगे ना, इसका मतलब वो दो फंक्शन को मिलकर बनाया गया है, आपने उसको दो पार्ट्स में तोड़ना है, एक पार्ट फंक्शन होगा और दूसरा पार्ट उसका डेरिवेटिव होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, और एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर्स में काफी ज्यादा डोमिनेंस रही है इसकी, ठीक है सर। अब इसका काम खत्म हो गया हमारे पास और ई एक्स वाले का काम शुरू हो गया। सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तरीका है कंपैरिजन के साथ जो आपको मैं कराऊंगा, दूसरा तरीका है जैसे हमने फॉर्मूला डिराइव किया वैसे आप कर सकते हो। इफ आई टेक द सिंपलेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस लाइक साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, जो कभी भी पेपरों में नहीं आएगा लेकिन समझ में पक्का आएगा, ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू ई रेज पावर एक्स डी एक्स, ठीक है सर। अब यहां पर इफ यू लुक एट दिस, दिस इज द फंक्शन है ना, दिस इज द डेरिवेटिव, आप इसमें अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना चाहते हो तो यू कैन राइट इट, सो क्लियरली दिस इज ऑफ द टाइप दिस विद एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स व्हिच इंप्लाइज एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट कॉस एक्स राइट, एंड इट्स अ सॉल्यूशन इज गिवन बाय दिस, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर मेरे पास एफ ऑफ एक्स इंटू ई एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है मेरे पास साइन एक्स इंटू ई एक्स प्लस सी, फिनिश्ड।
ठीक है, इसीलिए ये एग्जाम्स में नहीं आएगा। जब भी क्वेश्चंस आएंगे वो थोड़े से ट्रिकी होंगे, इतने सिंपली विजिबल नहीं होंगे कि हमें पता चल जाए कि ये फंक्शन और उसके डेरिवेटिव का सम है। लाइक देयर इज अनदर क्वेश्चन, आई इज इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू ई एक्स डी एक्स। ठीक है सर, एक अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको दिख रहा है। जो ई एक्स के साथ वाला दूसरा फंक्शन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इट इज नॉट दैट सिंपल फंक्शन, राइट। लेकिन इसमें एक ट्रिक है, एक वो कहते हैं ना कि मुजरिम जितना बर्जी शातिर हो वो कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। तो इसने भी आपको सुराग दे दिया है भाई साहब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली जो टर्म्स हैं दे आर डिफरिंग बाई ए कॉन्स्टेंट ओनली। ये एक्स है, ये वन प्लस एक्स है। और इसका बेसिक रूल क्या रहता था हमारे पास, अगर हम वो ट्राई करके देखें इसमें, तो वो था वन प्लस एक्स माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर राइट इंटू ई एक्स डी एक्स। सो दिस विल बी इक्वल टू, अलग अलग कर देंगे हम इसको, दिस विल वन प्लस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। आप सबको याद था कि इस फॉर्मूले के बीच में प्लस है, राइट। अगर माइनस की दूसरी टर्म आती है उसको माइनस टर्म के न्यूमरेटर के साथ लिख लो, ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। सो व्हाट यू विल बी लेफ्ट विद इज आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन प्लस एक्स प्लस माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू ई एक्स डी एक्स। वी हैव ऑलरेडी डन डेरिवेटिव, सो आई वोंट बी टेकिंग मच ऑफ द टाइम। इफ दिस इज द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, आप चेक कर सकते हो माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर उसका डेरिवेटिव होता है। तो आगे एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू ई एक्स, व्हाट इज द आंसर, इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स राइट इंटू ई एक्स प्लस सी। डन एंड डस्टेड, राइट सर। सो इस टाइप पे बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं हमारे पास, लेट मी डिस्कस फ्यू मोर विद यू। लाइक देयर इज अ क्वेश्चन इन ट्रिग्नोमेट्री ऑल्सो, आई इज इक्वल टू 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x अगर कभी भी इंटीग्रेशन कहीं भी आ जाए तो इससे आसान चीज हम जिंदगी में कभी मांग नहीं सकते। अगेन ये x के साथ वाला फंक्शन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, सो अगर हम इसके दो हिस्से कर सके सो दैट वन इज अ फंक्शन एंड सेकंड इज इट्स डेरिवेटिव, तो वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, लेट्स ट्राई। सो दिस इज इक्वल टू 2, सबसे पहले इसका फॉर्मूला आप सबको पता है क्या होता है, 2 cos square x, और हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में कि जब भी ट्रिगो सॉल्व करनी है तो कोशिश करनी है एंगल सेम रहना चाहिए। अगर इसका एंगल हाफ कर दिया तो न्यूमरेटर वाले का भी हाफ कर दो, sin 2x इज व्हाट, 2 sin x cos x, सेपरेट द डिनोमिनेटर एंड सिंप्लीफाई, 2 अपॉन 2 cos square x विल बी व्हाट, 1 बाय cos square x प्लस 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, cos और cos भी कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा मेरे पास, एक साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स ई एक्स डी एक्स। इससे आसान फंक्शन आपको दिख नहीं सकता। अब व्हाट इज दिस, दिस इज सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स ई एक्स डी एक्स। बहुत से लोग एक गलती कर जाते हैं, वो अक्सर आंसर में फर्स्ट फंक्शन लिख देते हैं। ध्यान से देखना है व्हाट इज द फंक्शन, या टेन एक्स इज द फंक्शन, दिस इज द डेरिवेटिव। तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है, फर्क नहीं पड़ता चाहे डेरिवेटिव पहले आ जाए फंक्शन बाद में आ जाए, पर आंसर में क्या आता है, f ऑफ x e x, सो इट इज tan x e x प्लस सी, राइट सर। सो लेट्स हैव अनदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट, as I told you this is very very important from the point of view of examination, so let's have few questions on this. So एक और क्वेश्चन इस पे लेते हैं हम, इट इज x माइनस थ्री अपॉन x माइनस वन होल क्यूब इंटू ई एक्स डी एक्स। अगेन आपको दिख गया कि ई एक्स के साथ वाला जो फंक्शन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेट्स ट्राई टू सिंप्लीफाई इफ वी कैन डू इट, ठीक है ना, कोशिश करते हैं अगर हमसे हो सकता है। सो व्हाट वी विल बी एबल टू डू इज बेसिक रूल वही जो हमने पढ़ा था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर कांस्टेंट का डिफरेंस आ रहा है तो इसमें x माइनस वन था, ये माइनस थ्री है, तो इसको मैं माइनस वन माइनस टू करके लिख सकता हूँ, नहीं तो बेसिक तरीका तो है ही है, प्लस माइनस वन कर लो कोई बात नहीं,
एक्स माइनस वन हो जाएगा, जब थ्री माइनस थ्री के साथ प्लस वन होगा बाई डिफॉल्ट माइनस टू हो जाएगा। सेपरेट कर लो इसको, व्हाट आर यू लेफ्ट विद, एक्स माइनस वन का होल क्यूब, ठीक है दोस्तों, माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन का होल क्यूब, एंड दिस इज ई एक्स डी एक्स, गया यहाँ कितना बच गया टू, सो वॉट दिस विल बी एक्चुअली आई इज इक्वल टू, क्या बनेगा इंटेग्रल हमारे पास, सो वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन का होल क्यूब ई एक्स डी एक्स। सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, आपको तो पूरा लिखना है, उसका डेरिवेटिव निकालना है। क्वेश्चन फंक्शंस में कंफ्यूजन नहीं करना आपको, जिसके डिनोमिनेटर का डिग्री ज्यादा होगा वो हमेशा डेरिवेटिव होगा क्वेश्चन फंक्शंस में, क्योंकि क्वेश्चन रूल जब हम लगाते हैं तो डेरिवेटिव में डिनोमिनेटर का स्केयर हो जाता है। इन दोनों केसेस में अगर मुझे चेक करना पड़ेगा कौन सा फंक्शन लूं मैं, तो कम डिग्री होगी जिसके डिनोमिनेटर में। आई एम रिपीटिंग, क्वेश्चन फंक्शन में डिनोमिनेटर में जिसकी कम डिग्री होगी हमेशा उसको फंक्शन कंसिडर करिएगा। ये आपका काम है, अभी आप घर बैठे बैठे इसको करोगे, दिस इज एफ ऑफ एक्स, यू विल फाइंड इट्स डेरिवेटिव पक्का यही आएगा, चेन रूल लगा के देख लो। सो आंसर इज वन अपॉन वन सॉरी एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इनटू ई एक्स प्लस सी, राइट। ये हो गए डायरेक्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिक ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है। ऐसे एक हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर करके, यू कैन डू दैट, फैक्टराइजर सो मेनी क्वेश्चन इन योर बुक ऑल्सो। अब इन क्वेश्चंस में लेवल टू में क्या करते हैं, वो ट्रिक कर देते हैं हमारे पास। जैसे हमने इस फॉर्मूले में देखा कि e के ऊपर पावर कितना था x, जब भी वो शरारत करेंगे आपके साथ, राइट, वो वही शरारत करेंगे, तो एक शरारती क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है हमारे पास वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, into e raise power 2x dx। शरारत को हमने हाईलाइट कर दिया, कितना था यहां फॉर्मूले में x, क्वेश्चन में कितना आ गया 2x, वो 2x भी कर सकता है, इट कैन टेक मल्टीपल ऑफ x और ही कैन टेक सब मल्टीपल ऑफ x, ठीक है, वो 2x भी ले सकते हैं, वो x अपॉन 2 भी ले सकते हैं, पर आपको हमेशा रखना है इसकी पावर, सिंपल लेमा लैंग्वेज, डी के आगे जो वेरिएबल है ना, राइट, वो ई की पावर है, बस ये क्या है एक्स है ना, तो ये एक्स होनी चाहिए, एक्स बाई टू, टू एक्स, थ्री एक्स, कुछ नहीं हो सकती, व्हाट इज दैट, टू एक्स। सो इस क्वेश्चन को उस रूल में अप्लाई करने के लिए मुझे पहले ई की पावर को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, तो मैं कंसिडर करूंगा टू एक्स इक्वल्स टू टी। अब जब मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा तो पूरा इंटेग्रल ही चेंज होगा, पता है आपको सब्स्टिट्यूशन के रूल्स, राइट सर, तो इसका मतलब हो जाएगा मेरे पास x आ जाएगा t अपॉन टू, ठीक है, और मुझे इसे 1 बाई एक्स चाहिए तो 2 अपॉन t हो गया, राइट सर, और उसके बाद यहीं पे डिफरेंशिएट करते हैं, सो 2 dx एक्स इज इक्वल टू dt, तो dx किसके बराबर आया, हाफ ऑफ dt, ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। अब वैल्यू पुट कर दो, so I is equal to integration, this half will come out of the integral, ठीक है, one upon x क्या है, two upon t minus one by two into x का square, x कितना है, t upon two का whole square, एक two और two cancel हो जाएगा, into e raised power t dt। अब अगर मैं इसको solve करता हूँ, so what do I get as, I is equal to one by two, राइट, तो ये मेरे पास बन जाता है टू अपॉन टी माइनस, यहां पे क्या हुआ मेरे पास टू इंटू टी स्क्वायर अपॉन फोर, ये कैंसिल होके टू, अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर विल बिकम न्यूमरेटर, सो इट विल बी टू अपॉन टी स्क्वायर इंटू ई टी डी टी। रिलैक्स होके क्वेश्चन करना, पैनिक होने की जरूरत नहीं, दिस टू विल कम आउट, सो टू बाई टू कैंसिल हो जाएगा, वन बाई टी प्लस माइनस वन बाई टी स्क्वायर, आई होप इट इज क्लियर टू एवरी वन, मैं इस माइनस को इसके साथ ले गया, बीच में प्लस के फॉर्मूला ऐसा था। अब आप देखो जो ई के सिर के ऊपर है वही डी के बाद है या नहीं है, लेमन लैंग्वेज, राइट, और व्हाट इज द फंक्शन, ये फंक्शन है ना हमारे पास एफ ऑफ टी, इजन इट द डेरिवेटिव ऑफ दिस, सारे एक्स एक्स की जगह यहां टी लगा दो, तो व्हाट विल बी आंसर, ई टी एफ ऑफ टी, सो व्हाट इज एफ ऑफ टी, वन बाई टी et, right, or what was the value of t,
टी क्या था हमारे पास 2x, तो 1 बाई टी क्या हो जाएगा हमारे पास. सो आई थिंक इट इज नॉट रिक्वायर्ड. नाउ आई कैन रब ऑफ दिस साइड एंड आई कैन राइट द आंसर. सो 1 बाई टी, टी था हमारे पास ये, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2x, ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 2x इंटू ई रेज पावर 2x प्लस सी. राइट सर, सो दिस वॉज द आंसर. सो आई थिंक इट हैज बीन अ बिट लेंथी लेक्चर. वॉट ऑल द डोमेन्स वर सपोज टू बी कवर्ड, राइट? सो फ्रेंड्स प्लीज गो थ्रू द कंप्लीट लेक्चर, ठीक है? एंड आई विश यू अ गुड हैप्पी स्टडी आवर्स. स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ. थैंक यू सो मच.